2023 के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी, कहा नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मन की बात के 108वें एपिसोड को पीएम ने बताया खास, कहा माला में 108 मन के 108 बार जप, मंदिरों में 108 सीढ़ियां और 108 घंटियां। कुश्ती खिलाड़ियों के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा राजनीतिक फायदे की कीमत बहादुर बेटियों के आंसुओं से भी अधिक हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी की यात्रा पर तंज, कहा राहुल तय करें कि वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या फिर अपने लिए ज्ञान यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, लिखा न किसानों की आमदनी दोगुनी हुई न 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हुई। तहरीके हुर्रिया जम्मू कश्मीर पर लगा बैन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी, आतंकी कनेक्शन के चलते कार्रवाई। नए साल पर देश को मिलेगी सबसे बड़े समुद्री पुल की सौगात, 12 जनवरी को पीएम मोदी मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर बयान, कहा एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। कोलकाता दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एक्टर विक्टर बैनर्जी के घर जाकर मुलाकात की, पश्चिम बंगाल में कई हस्तियों से मिल रहे हैं भागवत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का राहुल गांधी की यात्रा पर तंज, कहा वो उत्तर से पूरब जाएं या पूरब से उत्तर, देश को तोड़ने की ही बात करते हैं। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दर्दी पर बीजेपी का पलटवार, का यात्रा के जरिए राहुल गांधी देशवासियों को समझाएंगे कि बीजेपी का विकास से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त, कानून के साथ में खेलने वालों पर कड़ी सख्ती। मुंबई में ब्लास्ट की धमकी पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा मुंबई पुलिस हमेशा अलर्ट पर रहती है, धमकी देने वाले पर होगी कठोर कार्रवाई। लखनऊ में पीएम आवास योजना के लाभार्थी परिवार से मिले जेपी नड्डा, सीएम योगी भी रहे मौजूद, श्री अन्नाराम और उनके परिजनों से की बातचीत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा राम किसी पार्टी के नहीं है, राम पूरे देश और विश्व के, राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी पहले दिन से राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्दी विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। के संबल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दौरा, गौशाला स्क्वायर पर कौशल रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा पुंछ में 3 नागरिकों की हत्या करने वालों पर हो FIR, मृतक के परिवार को मिले 50 लाख का मुआवजा। शिवसेना उद्धव गुट ने सीट शेयरिंग में विवाद की बात नकारी, संजय राउत ने कहा कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से सीटों के फॉर्मूले पर हो रही है बात। थाने में रेप पार्टी पर हुई रेड पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, का FIR हुई दर्ज, की जाएगी कठोर कार्रवाई, महाराष्ट्र को ड्रग फ्री स्टेट बनाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार, किसी भी दिन तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा का, विकसित भारत के लिए हर किसी को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना होगा। सीएम योगी ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया, बोले पहले राशन माफिया खा जाते थे, अब गरीबों को राशन मिल रहा है।